फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टेंस व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में मैं तीनों टाइप के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव को फुली एक्सप्लेन करूंगी एंड आपको फुली स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी कुछ उसके एक्सेप्शन जो उनको ब्रेक करते हैं, प्लस कॉमन मिस्टेक्स, और उसके बाद लास्ट में आप लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टेंस। दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते थे, ऐसे इसमें कंटीन्यूअस की जगह हम प्रोग्रेसिव भी यूज कर देते हैं। इसमें की क्या पहचान होती है? सेंटेंसेस के लास्ट में सेम जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती थी, रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, ये सब लगता है। लेकिन फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। आपको मैं समझाती हूँ सेंटेंसेस से कि इसमें क्या चीज होती है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। सबसे पहले ये जो टेंस होता है ये पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें परफेक्ट आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट का था वो भी पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता था, ऐसे ही ये करता है। लेकिन इसमें क्या चेंज होता है, और इसमें कंटीन्यूअस भी आ गया, लेकिन पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में वो वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि आई हैव कुक्ड माय फूड, ठीक है, मेरा वर्क फिनिश हो गया। लेकिन इसमें आई हैव बीन कुकिंग माय फूड फॉर 2 आवर्स, इस टाइप से कंटिन्यू रहता है। पास से शुरू होना और कंटिन्यू रहना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी स्टार्टेड इन पास बट कंटिन्यूड अप टिल अंटिल नाउ, जो अभी तक लेकिन फिनिश नहीं हुआ, कंटिन्यू है, पास में शुरू हुआ है। तो ऐसे पास से लेकर प्रेजेंट तक ये टेंस जाता है। वह 2 दिन से पढ़ा रही है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, वह पढ़ा रही है, लेकिन इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, 2 दिन से, उसके टाइम की, फिनिश होने की नहीं, उसके स्टार्टिंग टाइम की, कि 2 दिन से, आज से हम 2 दिन लेंगे, 2 दिन पहले से वो पढ़ा रही है और अभी भी वो पढ़ा ही रही है, वो पढ़ा चुकी है, ऐसा मैंने नहीं बोला है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैज और बीन। शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, हैज बीन एंड हैव बीन। मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगी कब हैज बीन यूज करना है, कब हैव बीन। मैं कल से अपना काम कर रही हूं, तो आई एम नहीं, अब यहाँ पर हेल्पिंग को बदल गई, आई एम की जगह हैज बीन और हैव बीन। आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस यस्टरडे। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि फोर और यहाँ पर सिंस यूज किया है, फॉर एंड सिंस मैंने यहाँ यूज किया है। तो कब हमें फॉर यूज करना है, कब हमें सिंस यूज करना है? फॉर हम यूज करेंगे जब हमारा टाइम इंडेफिनेट होगा, जैसे कि 2 डेज, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, कोई भी डेफिनेट 2 दिन हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। लेकिन यस्टरडे में पता होता है, जो बीता हुआ समय होता है वो वाला होता है। तो इस टाइप से हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, मैं डिटेल में भी आपको भी बताती हूँ फॉर और सिंस का यूज। सिंस एज यूज होता है एज अ पॉइंट इन टाइम, बट फॉर यूज होता है एज अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि देखिए पॉइंट इन टाइम मतलब टाइम में एग्जैक्टली उस चीज को बताना, और ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 दिन से, 3 घंटे से, इस टाइप से। और ये होता है एग्जैक्ट, जैसे मैंने कह दिया 10 o'clock से, तो एक पॉइंट बता दिया हमने टाइम में, तो इससे समझते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर अगर मुझे सिंस यूज करना होगा तो मैं कोई भी टाइम ले लूंगी, 9, 10, कोई भी टाइम, लेकिन वो एक पॉइंट मतलब परफेक्टली डेफिनेट एक टाइम की, इधर से 10 o'clock से ही स्टार्ट हुआ है, या फिर मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग जब से भी स्टार्ट होती है, इवनिंग से स्टार्ट हुआ है, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। और इधर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, अगर मैं लिखूं 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, मैंने इसमें ये टाइम शो नहीं किया कि 10 बजे से 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 30 मिनट्स तो कोई भी हो सकते हैं, 2 आवर्स तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग, मॉर्निंग हम समझ जाएंगे, सिंस मॉर्निंग,
मॉर्निंग से सिंस इवनिंग एक डेफिनेट चीज आ गई इसमें। 30 मिनट्स हो सकता है मॉर्निंग के हो सकता है इवनिंग के हो, तो इस टाइप से ये इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं सिंस में यस्टरडे फ्राइडे, जैसे कि यस्टरडे भी मैंने कहा था बीता हुआ कल, सिंस यस्टरडे, और फ्राइडे भी वीक में जो एक दिन आता है फ्राइडे केवल उसी को, तो मैं समझ जाऊंगी केवल उसी को, लेकिन इसमें मैंने क्या बोलिया फॉर 4 days, फॉर 3 days, कोई भी 3 days, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कोई भी 3 days हो सकते हैं इसमें। अगर मैं किसी सन के बारे में मंथ के बारे में बात करूँ तो पर्टिकुलरली उस मंथ का नाम लूंगी, सिंस मार्च, सिंस फेब, सिंस जैन, सिंस जुलाई, लेकिन इसमें मैं क्या कह दूंगी फॉर 3 months, फॉर 2 months, हो सकता है नवंबर दिसंबर हो फॉर 2 months से कर रहे हैं, फॉर अ मंथ हो सकता है केवल दिसंबर ही हो, लेकिन इस पर मैंने पॉइंट कर दिया कि कौन सा मंथ है, इसलिए से बोलते हैं पॉइंटेड टाइम में एक पॉइंट दे दिया। अब यस्टरडे है यानी आज से कल वाला बीता हुआ कल, ऐसे नहीं बोलूंगी यस्टरडे वाला फॉर 2 days, कोई भी 2 days। अब इसमें 2010 मैंने इसमें भी सन बता दिया और इसमें मैं ईयर्स बताती हूँ, इसमें सेंचुरीज मुझे बताना है फॉर 3 centuries, लेकिन इसमें मैंने बता दिया एग्जैक्टली सिंस कितनी सेंचुरी 1700 से अभी तक 3 centuries से अभी तक कोई भी 3 centuries, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मैंने सेंचुरीज का नाम बता दिया। तो जहां हमारा डेफिनेट टाइम का मैं स्टार्टिंग पॉइंट, आप कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से स्टार्ट हो रहा है वर्क, उस पर डेफिनेट टाइम का हमें पता चलता है तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, अदरवाइज हम फॉर यूज करते हैं। तो आई होप अब आपको सिंस और फॉर का यूज समझ आ गया होगा। नाउ व्हेन टू यूज स्टार्टेड एंड कंटिन्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है, स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप अंटिल नाउ, जो कि फिनिश नहीं हुआ, पास्ट की हमें इंफॉर्मेशन रहती है कि टाइम कब से वो स्टार्ट हुआ है पास्ट में, लेकिन वो अभी तक चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ और ना ही फिनिश होने का कोई टाइम हमको दिया जाता है। जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तो अब से 2 घंटे पहले से लगातार बारिश हो रही है, यानी पास्ट में अगर हम जाएं तो 2 घंटे से बारिश हो रही है और वो कब तक होगी अभी भी कंटिन्यू है मुझे नहीं पता। यही डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं बारिश, बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, जस्ट उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस देखिए इसमें मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये नहीं बताया आपको 2 घंटे से हो रही है 1 घंटे से, तो मुझे उसमें नहीं पता रहता कितना टाइम हो गया बारिश होते हुए पास्ट में, लेकिन यहाँ पर हमें पता रहता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। I have been living in this house since 2010. मैं 2010 से इस घर में रह रहा हूँ, अभी तक रह रहा हूँ, आगे कितना रहूंगा मुझे नहीं पता। तो इसमें भी हम कह सकते हैं पास्ट की हमें इंफॉर्मेशन 2010 पास्ट में चला गया और अब तक मुझे, अब तक मैं रह रहा हूँ सपोज 10 years हो गए और मुझे नहीं पता कब रह रहा हूँ। और अब देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको फॉर का यूज समझाया था फॉर 2010, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि टाइम का बात आ गया। अगर मैं कहती इधर फॉर 10 years तो मैं फॉर का यूज कर रही हूँ, फॉर 10 years, लेकिन एक पॉइंट दे दिया 2010 डेफिनेट टाइम दे दिया मैंने, यानी 2010 से, तो अब तक मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। और इधर मैंने क्या करा फॉर 2 hours, अगर मैं ऐसे कहती सिंस फोर ओ क्लॉक तो फिर फॉर का हम यूज करते, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इस टाइप से आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा जैसे कि आप सेंटेंस करते जाएंगे। अच्छा, अब इसका यूज हम लेटली और रिसेंटली से भी कर सकते हैं, वहां पर हमें टाइम लगाने का कंपल्सर नहीं होता है। लेटली और रिसेंटली से ही हम समझ जाते हैं कि काफी टाइम से पास्ट से मैं ये काम हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं काफी टाइम से, रिसेंटली मतलब फिलहाल मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ फिलहाल किसी वजह से, लेकिन मतलब पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ है जिस वजह से बहुत ज्यादा वो टायर्ड फील कर रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, क्या तुम काफी देर से एक्सरसाइज कर रहे थे तो इसलिए शायद तुम ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली। तो इस टाइप से हम रिसेंटली और लेटली लगा के भी इनका यूज करते हैं विदाउट एनी टाइम एक्सप्रेशन। वेन टू यूज तो हो गया, लेकिन अब आप याद कीजिए कंटिन्यूअस में कुछ वेन नॉट टू यूज भी होता था, स्टैटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट भी होता था,
तो जहां पर हम आईएनजी यूज करते हैं वहां पर हम स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो आपकी स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, मिक्स्ड वर्ब पर बना भी चुकी हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने स्टेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल देकर भी बताया है। और जो सेपरेट वीडियो बताई है उसमें पूरा डिटेल्स में दिया है कि कौन सी ऐसी वर्ब है जो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको याद आ जाए। आई हैव बीन नोइंग हर फॉर वन ईयर, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नो क्या है, स्टेटिव वर्ब है। आई हैव नोन हर, इसकी जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है जो स्टेट शो करती है, जिसमें कोई एक्शन नहीं शो होता, और जिस वर्ब में कोई एक्शन नहीं शो होता उस वर्ब को हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते। हाँ कभी कभी वो यूज हो जाती हैं स्टैटिक की तरह भी और डायनेमिक की तरह भी, जिन्हें हम मिक्स वर्ब के नाम से जानते हैं और इसकी भी मैंने आप सेपरेट वीडियो बनाई है। जैसे कि हैविंग इज अ डायनेमिक, समटाइम्स बिहेव एज स्टैटिक। जैसे आई हैव बीन टेकिंग या आई हैव बीन हैविंग डिनर फॉर हाफ एन आवर या फॉर वन आवर, तो इसमें वो हैविंग मतलब हो गया करना, वो ले रहा है डिनर, खा रहा है वो कुछ भी चीज, तो यहाँ पर वो हैविंग हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आई एम हैविंग कार, इस टाइप से हम यूज नहीं कर सकते। तो आप मेरी वीडियो में जाइए स्टेटिव वर्ब का, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वहां पर देखिए, लेकिन कंटिन्यूअस में कहीं भी आ जाए आपकी स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होती है। जैसे लव, लाइक, हेट, पूरा मैंने आपको दिया है belongs, इस टाइप से हम यूज नहीं करते। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में। इसका हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, उस पर हमने समझ लिया कि टेंस कब यूज करते हैं, क्या होता है, अभी फॉर्म कैसे किए जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, मीन जिसपे हम सिंपल कोई बात कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसपे हम नेगेटिव सेंस पे कोई बात कहते हैं, नॉट का यूज करते हैं, नहीं जिसमें यूज होता है। और एन इंटरोगेटिव जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव बीन और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगाते थे, बस यहाँ पर इज आर एम की जगह हमें हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है। हैज बीन हमें कब लगाना है, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन हमें कब लगाना है, प्लूरल के साथ, एक्सेप्ट आई, आई में हैव बीन का यूज होगा, यानी आई एक्ट करेगा प्लूरल की जगह, जबकि वो सिंगुलर होता है, एक जने की बात करता है, यानी आई यू वी दे के साथ हैव बीन एंड ही शी इट के साथ हैज बीन यूज होता है। बनाते हैं सेंटेंस, वह सुबह से सो रही है, और साथ में इसमें क्या देखना पड़ता है, सिंस या फॉर, और साथ में जो उसके साथ टाइम लगा हुआ है वो, ये चीज इसमें ऐड कर जाती है। तो ये हम लास्ट में देखेंगे, पहले अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो वह सब्जेक्ट क्या है, शी, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन बिकॉज इट इज सिंगुलर, शी हैज बीन सोने की, स्लीपिंग। अब सिंस या फॉर, सुबह की तो मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम हो गया ना, सुबह से कोई भी टाइम नहीं हुआ। अगर मैं आवर्स की बात करती तो मैं फॉर लगाती, क्योंकि मुझे नहीं पता सुबह के घंटे शाम के घंटे, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है एग्जैक्टली पॉइंट कि मॉर्निंग जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो काम कर रही है। तो याद रखिएगा मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, इन सबके साथ हमेशा सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। वह दो घंटे से रसोई में काम कर रही है, अब इसमें आवर्स के लिए आ गया, अब वह काम कर रही है, पहले हम इस पर फोकस करते हैं। शी, अब शी के साथ अगेन हैज बीन वर्किंग इन द किचन, और आवर्स, क्योंकि मैं नहीं पता कौन से आवर्स है, मॉर्निंग के आवर्स है या इवनिंग के आवर्स है या कल वाले आवर्स है, फॉर टू आवर्स, वह दो घंटे से अपना काम कर रही। देखिए अब से अगर हम लगाएंगे दो घंटे तो हम कर सकते हैं, अकाउंट सपोज 4 o'clock हुआ है तो 2 o'clock से अपना वो काम कर रही है, लेकिन फिक्स्ड टाइम नहीं है, 4 2 आवर्स, एक पीरियड हो गया टाइम का दो घंटे से, लेकिन यह पीरियड नहीं हुआ, एक पॉइंट हो गया मॉर्निंग से, अब मॉर्निंग में कितने घंटे से ये नहीं पता, समझ रहे आप। मैं अभी हाल में अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छा देखिए ये रिसेंटली और लेटली जो मैंने बताया था इसका यूज मैं आपको बता रही हूँ, अभी हाल में मतलब रिसेंटली, जस्ट बिल्कुल अभी,
I have been feeling well recently. I have been, I के साथ have been लगता है अच्छा महसूस करना है यानी feel feeling अच्छा well recently. इस टाइप से आपके हो गए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब मैंने क्या लिखा है इधर अफर्मेटिव की जगह केवल नेगेटिव. नेगेटिव मतलब इसमें नॉट यूज होता है. तो आइए देखते हैं नॉट कहाँ यूज करते हैं. यहाँ पर हम नॉट कहाँ यूज करते हैं नेगेटिव में अफर्मेटिव उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद. लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में वही दो वर्ड है तो जहाँ दो वर्ड होते हैं उनके बीच में नॉट लगता है यानी हैज या हैव इसके बाद यहाँ पर लग जाएगा नॉट और इसके बाद यहाँ पर आएगा ये बी यानी हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन इस तरह से यूज होगा. बस यही चेंज होगा इसमें. वह सुबह से नहीं सो रही है. She has not been sleeping. देखिए since morning since of all का concept मैंने just अभी बताया है. शुरू से बताती आ रही हूँ difference में भी बताया है. She has not been sleeping since morning. बस not कहाँ लगेगा has not been. इसी तरह से वह दो घंटे से रसोई में काम नहीं कर रही है. ठीक है She has again not इनके बीच में. She has not been working in the kitchen for 2 hours. मैं अभी हाल में अच्छा महसूस कर रही हूँ. I have been हाल में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ. तो I have not been कितने सिंपल हो गए. देखिए अफर्मेटिव बनाई और उससे नेगेटिव बन गया. I have not been feeling well recently. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले बताऊंगी दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव. सिंगल इंटरोगेटिव को हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर हम केवल यस और नो में कर सकते हैं. और ये क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से यानी कि हैज और हैव से ये स्टार्ट होंगे हैज बीन हैव बीन इस टाइप से. तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है सिंगुलर है तो हैज प्लूरल है तो हैव एक्सेप्ट आई क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है. इसके बाद सब्जेक्ट इसके बाद बी यानी कि नेगेटिव में जैसे नॉट आता था सब्जेक्ट और हेल्पिंग दोनों वर्ड्स के बीच में हैज और बीन के बीच में हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन और यहाँ पर बस सब्जेक्ट आ जाता है. इसके बाद वर्ब में आई एन जी और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस या फॉर हमें देखना है प्लस टाइम सिंस या फॉर प्लस टाइम. तो चलिए देखते हैं पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की यानी कि जो क्या से स्टार्ट होते हैं यस और नो टाइप सेंटेंसेस. क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है. ये सबसे पहले आप 3 घंटे से फॉर और सिंस को लास्ट में देखिए फॉर लगेगा या सिंस सोचकर फिर लिखिएगा. अच्छा क्या वह अपना काम तो हैज या हैव से स्टार्ट होगा तो ये सिंगुलर है कर रहा है तो हम हैज से स्टार्ट करेंगे हैज. इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट ही कर रहा है ही है. इसके बाद बीन यानी कि जहां नॉट लगता था इंटरगेटिव में वहां पर किसने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट ने. हैज ही बीन काम करने की डूइंग हिज वर्क. अब फॉर या सिंस 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं. कोई भी 3 आवर्स हो सकते हैं तो फॉर 3 आवर्स. हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स. क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं. कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो मुझे नहीं पता तो मैं पूछ रही क्या ये वही लोग हैं. क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं. ठीक है अब हैज या हैव वे वे इज प्लूरल तो क्या यूज करेंगे हैव. तो हैव से स्टार्ट करेंगे हैव. इसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे. इसके बाद बी इसके बाद वर्ब हेल्प और आईएनजी मी और इसके बाद फॉर या सिंस कई सालों से भी हमें नहीं पता इज अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 3 साल से 4 ईयर्स से तो इसी समय हमने लिख दिया कई सालों से 3 साल 4 साल की जगह तो फॉर कई का मतलब मैनी मैनी ईयर्स. Have they been helping me for many years? इस टाइप से हम यूज करते हैं. अच्छा अगर हम इसमें नॉट का भी यूज करें तो कैसे स्ट्रक्चर होगा. तो नॉट कहाँ लगेगा इंटरोगेटिव में नॉट कहाँ लगता है हर वीडियो में बताते आ रही हूँ. सब्जेक्ट के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं भी चेंज नहीं होगा. Has या have subject plus not और been बेचारा सबसे लास्ट में चला जाएगा. बस ये सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है सेम स्ट्रक्चर रहेगा. देखते हैं क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रही है.
ठीक है, तो हैज ही नॉट यहाँ पर लगेगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि हैज ही वीन नॉट, नो ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अब वीन जो है वो लास्ट नॉट के भी बाद आ जाएगा। हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, है कई सालों से, सबसे पहले मैं यहाँ नहीं लगा देती हूँ, नहीं कर रहे हैं, हैव दे, दे के बाद क्या जाएगा नॉट, हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, तो इस टाइप से आपके हो गए सिंगल इंटरोगेटिव। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी डबल इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। तो देखिए जैसे कि क्यू, व्हाई, वेयर, इस टाइप से व्हाट, ठीक है, इसमें बस क्या चेंज होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिंगल इंटरोगेटिव में अगर हम ये क्वेश्चन वर्ड हटा देते तो ये सिंगल इंटरोगेटिव हो जाता था, जो कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था, इसमें बस उससे पहले क्या ऐड कर देते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हमें दिया होता है। जैसे कि देखिए, तुम जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो, तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्यू, और क्यू की इंग्लिश वाई, तो इसमें वाई से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, बिल्कुल सेम चलेगा इंटरोगेटिव की तरह, तो वाई, इसके बाद यू के साथ हैव लगेगा, यू है, हैव यू, सब्जेक्ट के बाद वी, फिर आई एन जी, नष्ट करना यानी वेस्ट करना, वेस्टिंग योर टाइम। अब बात करते हैं सिंस या फॉर, क्या लगेगा, जुलाई से एक फिक्स टाइम की बात हो गई, मैंने क्या कहा था, अगर मंथ हो 3 मंथ से 2 मंथ से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पर पॉइंट आगे टाइम है जुलाई से, मतलब जुलाई से अपना टाइम, जुलाई से अब तक, ठीक है, सिंस जुलाई, इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। देखिए अगर आप ऐसे बात करते हैं मंथ, ईयर, लेकिन हम उसका अगर नेम दे दे, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, कौन सा सन, तो हमेशा सिंस यूज करना है, और जस्ट हम ऐसे लिखते हैं फॉर मंथ, ईयर्स, ठीक है, पीरियड दे दे उसका, तो हमेशा फॉर यूज करना है। अब वह 2 दिन से यहाँ काम कर रही है, अच्छा वह 2 दिन से यहाँ क्या कर रही है, सॉरी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड, ये वो वाला क्या नहीं है जो पहला लगता है, वो वाला हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, ये व्हाट वाला क्या है, एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो व्हाट, वह 2 दिन से, हैज यूज होगा, सिंगुलर है वह, व्हाट, हैज, अब शी, इसके बाद वी, डूइंग, हेयर, यहां तक हो गया। अब 2 दिन से, मैंने क्या कहा था, अगर हम जैसे मंडे ट्यूसडे दिन की पर्टिकुलर डे दे, कौन सा दिन, मंडे ट्यूसडे, तो हम सिंस यूज करेंगे, और अगर उसका सब पीरियड दे फॉर 2 डेज 3 डेज, तो हम फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 डेज, व्हाट हैज शी बीन डूइंग हेयर फॉर 2 डेज, इस टाइप से हम यूज करते हैं। तुम 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, अच्छा ये तो अगर हम इसमें नहीं भी ऐड कर दें तो क्या होगा, तो कहाँ लगेगा, नहीं, सब्जेक्ट के बाद, फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो तुम 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद, ये बात आप ध्यान रखिएगा, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के स्ट्रक्चर हर तरह का खत्म होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और उसमें भी मैंने नॉट का यूज करके आपको अलग अलग बताया है, तो आई होप, और इंटरोगेटिव में भी मतलब नेगेटिव का यूज करके मैंने बताया है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सब। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी में से जो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, एक्सेप्शन बताऊंगी, फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ पढ़ते हुए भी जो हम कर जाते हैं और आगे हम नहीं करेंगे, और इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, चेक करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज कितना आपको समझ आया है। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद द सेम टेंस, सम न्यू और डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।